नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। प्रकृति नेचर स्वभाव या फिर पर्सनालिटी, जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी प्रकृति के बारे में। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम दूसरों के मन के विचार या फिर प्रकृति जान ले तो जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना? सोचने वाली बात, देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है फिर भी हम हमारे घर वालों को पहचान नहीं पाते। हमारे अपने बच्चे, स्पाउस, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार कई बार हमें अचंभे में डाल देते हैं। दूसरों की छोड़ो, क्या हम जान पाए हैं कि हम खुद नेक्स्ट मिनट में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? क्या ये हमारे खुद के हाथ में है या फिर सब कुदरत के हाथ में है? क्या अपनी और दूसरों की प्रकृति को जानने का कोई आसान तरीका है? चलिए पाते हैं इसकी समझ पूज्य दीपक भाई से। नेगेटिविटी से जो प्रकृति दोष हो जाता है उससे थोड़ा सा और स्पष्ट करें, आपने कल बताया। हाँ, उसी का यही कारण है कि हमारी बुद्धि नेगेटिव अभिप्राय दिया है कि झूठ आदमी, इसको तो डांटना ही पड़ेगा। तो फिर वो जब भी देखते तो पिछला अभिप्राय हाजिर हो जाता है और हमको यही लगता है कि हमें इसके लिए झूठ है। अरे एक बार आदमी ने झूठ बोला, वो संजोग वशात दूसरी बार नहीं भी हो सकता। पहले किया वो संजोग वशात किया है, उसका कायम ऐसा होएगा, ऐसा अभिप्राय में नहीं देना चाहिए। हम नहीं, आज समझ लो क्रोध किया, राजेश ने क्रोध किया और कोई आदमी बोले ये तो बहुत गुस्से वाला आदमी है, वो हमेश के लिए सत्य होएगा? हाँ, उस दिन संजोग वशात हो गया, हमें भी भीतर में बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत मैंने प्रतिक्रण किया, ऐसे हो सकता है कि नहीं? तो फिर वो आदमी आज गलत कर रहा है तो उसके लिए गलत अभिप्राय मत दो, क्योंकि भीतर में वो पश्चाताप भी कर सकता हो या तो निश्चय भी करेगा इसी गलती नहीं करनी है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि संजोग वशात आदमी का गुनाह है, हमें इसके लिए वैसा नहीं भी हो सकता। इसके लिए अभिप्राय नहीं दोगे तो नेगेटिव बुद्धि से नेगेटिव अभिप्राय देते हैं, नेगेटिव अभिप्राय से नेगेटिव व्यवहार हो जाता है। और बुद्धि नहीं वापरी, उसके सामने ज्ञान वापरा, प्रज्ञा हाजिर रखी, नहीं उनके लिए नेगेटिव अभिप्राय नहीं देने, तो फिर ज्ञान से नेगेटिव अभिप्राय नहीं दिया तो फिर सहज व्यवहार हो जाएगा, कषाय रहित व्यवहार होएगा। इसलिए मुझसे ये भी सुना कि जो वो मेरे में दोष देखते हैं या मैं ऐसा ही हूँ, खराब हूँ, तो ये भी एक प्रकृति दोष है। हाँ, उसके बारे में वो प्रकृति को छेड़ना नहीं चाहिए, प्रकृति को बदनाम मत करो, ऐसे बताना चाहते थे। हाँ, प्रकृति में क्रोध निकला तो उस टाइम मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं तो सबका जिंदगी बिगाड़, ऐसे नेगेटिविटी में मत जाओ, सेल्फ नेगेटिविटी मत जाओ। हाँ हो गया तो अभी शक्ति मांगो, हमारी कमियों के लिए शक्ति मांगो, जो प्रकृति बताती है रिजल्ट है। जैसे नहीं बताया कि हिस्ट्री में 50 मार्क्स आए तो वीकनेस है, वीक है हमारा हिस्ट्री, तो हम थोड़ा ट्यूशन करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे और दूसरी बार हम 75 से ऊपर परसेंट लाएंगे। तो दूसरी बार सुधारने के लिए हमें प्रकृति बताती है, वो समझना चाहिए कि ये गलती जो पहले हुई थी उसका परिणाम आया, अब हम गलती सुधारेंगे तो परिणाम बदल हो जाएगा। तो परिणाम को बदनाम नहीं करना है, मगर हम जागृति रखनी है, हमारी कमियों को सुधारना है, शक्तियों मांगनी है। नव कलम में है वो शक्ति मांगते हैं, चरणनिधि में भी बहुत शक्तियां मांगी है, ताकि जागृति बढ़ेगी, शक्ति मांगने से हमारे नेगेटिव अभिप्राय गिर जाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। समझ में आया? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। कहते हैं कि प्राण और प्रकृति साथ में जाते हैं, तो ये प्रकृति है क्या? क्या हमारी प्रकृति या नेचर हम जन्म से लेकर आते हैं? दुनिया में देखा जाए तो कई तरह के लोग होते हैं, कोई लोभी होता है, कोई मानी होता है, तो कोई एकदम शांत प्रकृति का होता है, या फिर स्वभाव से कोई क्रोधी होता है। तो क्या ये प्रकृति बदली जा सकती है? तो दोस्तों, हम कैसे व्यवहार करें कि सबके साथ अपनापन अनुभव कर सके, चलिए जानते हैं अपने आत्मज्ञानियों से। पुरुष या महिला, महिलाओं की प्रकृति, स्वभाव और संस्कार में कुछ क्या अंतर स्पष्ट करके बताएं? वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्यों जानने को है? आप टकराव वही होता है, टकराव तो उसको उससे बचने के लिए, टकराव के बचने के लिए हमारी गलतियां देखो, सामने वाले की गलतियां मत देखो, अपनी प्रकृति अपने को मुबारक, उनकी प्रकृति उनको मुबारक। सामने वाले को समझ करके, एडजस्टमेंट प्रकृति को समझ करके हम अपने टकराव बचा सकते हैं। समझ करके यानी क्या है? एडजस्ट एवरी ईयर हो जाओ, वो सोनिया है,
भुगतता है उसकी गलती, टकराव टालिए, ये शब्द ही आप उसके ऊपर श्रद्धा रखोगे तो यही जागृति रहेगी। ताकि प्रकृति तो क्रोधमान माया लोभ है सभी में है, कम ज्यादा रहते हैं, पुरुष में क्रोधमान थोड़ा ज्यादा रहता है, स्त्री में थोड़ा मोह ज्यादा रहता है, अपेक्षा ज्यादा रहती है, इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है, प्रकृति है, बोल्डनेस ज्यादा है पुरुष में, संकुचितता है स्त्री में, तो ये एडजस्टमेंट करना है कि नहीं इनकी प्रकृति है हमें एडजस्टमेंट होना है। पुरुष को ज्यादा तैयारी रखनी है, जैसी है वो मोड़े नहीं जाएंगे, वो चेंज नहीं करेगी, अपने को एडजस्टमेंट लेना है। और धीरे एक बार आप एडजस्टमेंट ले को तो सामने से दूसरी बार लेगी, और आप बोलो तुम पहले एडजस्टमेंट लो बाद में मैं सुधरूंगा, तो नहीं आपके तरफ से। और दादाजी की किताब है पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, अच्छी तरह पढ़ो, निरुमा की भी बहुत सारी कैसेट है पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, बहुत सारी चाबियां मिलेगी एडजस्टमेंट लेने। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में और सोचते हैं कि अगर हम सामने वाले की प्रकृति जान ले तो जीवन बहुत ही सरल हो जाए, क्योंकि कोई अग्रेसिव होता है तो कोई डिप्रेसिव होता है, तो कैसे एडजस्टमेंट ले, कैसे व्यवहार करें, क्या हम समझ पाए हैं कभी? और ये तो हम जानते ही हैं कि हर एक व्यक्ति में कोई तो अच्छा गुण होता ही है, तो नेगेटिव क्वालिटीज को नजरअंदाज करके उनमें पॉजिटिव देखने का कोई तरीका है? और कंफ्यूजन। चलो हमारे ज्ञानी के पास तो सोल्यूशन और सोल्यूशन ही है, लेट्स लिसन। दादा वाणी में एक पैराग्राफ में दादा भगवान ने कहा, मैंने कभी भी खुद की प्रकृति को बदनाम नहीं किया है, लोग बदनाम करके अपमान करते हैं, कृपया समझाइए। ये नहीं, आपके हाथ से ग्लास गिर गया तो आप क्या बोलोगे? मेरा हाथ ही ऐसा है, सब गिर ही जाता है, मैं तो कुछ ध्यान ही नहीं रख सकती, ये प्रकृति को बदनाम किया बोला जाएगा? कभी झूठ शब्द निकल गया, मेरा स्वभाव ही बहुत खराब है, बहुत मैं झूठ बोला जाता है, तो कभी मनमानी हो गई, मैं बहुत खराब स्वभाव की मनमानी कर देती हूँ हमेशा, किसी ने अपमान किया तो मेरे से बुरे शब्द निकल गए तो बोलेंगे मेरा स्पीच बहुत खराब है, बुरे बोल देती हूँ, बुरा बोल देती हूँ, तो ये प्रकृति बोलती है, प्रकृति करती है, उसको मैंने किया और उसके ऊपर भी ओपिनियन देते हैं कि ये अच्छा मैंने किया, ये बुरा किया, मैं बहुत बुरी हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो प्रकृति को ही हम अपमान करते रहते हैं। अभी ज्यादा खाया गया तो भी मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जब मीठा आता है, मिष्ठान आता है तो मैं ज्यादा खा लेती हूँ, तो भी वहां अपमान करते हो। मेरा रात को नींद ज्यादा लग गई, सुबह लेट हुए, मेरा तो बहुत लेट उठती हूँ, मुझे तो थकान इतनी लगती है तो मैं सो ही रहती हूँ, पर प्रकृति को मैं करती हूँ मानना वही सबसे बड़ी गलती है। और करता हूँ, मैंने किया मानते हो और वापस ओपिनियन भी देते हो, मैंने अच्छा किया मैंने बुरा किया, वो इस प्रकार प्रकृति को बदनाम करते हो। हाँ आप निश्चय कर सकती हो कि भाई किसी जैसे उणोदरी करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, और दुख दिया गया तो समझने का मैंने रॉन्ग बिलीफ मानी थी कि मुझे कोई टच हर्ट करेगा तो मैं उसको इंसल्ट करूंगी, ऐसे पहले रॉन्ग बिलीफ थी मेरी, मेरा अभिप्राय था, उसके वजह से ऐसी वाणी निकल चुकी है। अभी प्रतिक्रमण करना और वापस निश्चय करना कि मैं किसी ने मुझे अपमान किया तो मुझे कोई रिएक्ट नहीं होना है, संभाव रखना है, ऐसे निश्चय करना है। पर मेरी प्रकृति खराब है, मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरा बोल देती हूँ, मैं बहुत इंसल्ट करती हूँ, ये मानना बोलना अच्छा नहीं है, ऐसे दादाजी बताना चाहते हैं। समझ में आया? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में, चलिए जानते हैं अपने आत्मज्ञानियों से। दादा कहते हैं जब तक पुरुष नहीं हुआ वहां तक प्रकृति कराती है, और पुरुष हो जाने हो जाए तो काम हो जाता है। पुरुष होने का क्या तात्पर्य है, कैसे पुरुष हुआ जाता? पुरुष यानी मैं राम कुमार हूँ, और रॉन्ग बिलीफ है वहां तक जीवात्मा है, और उसी को ही क्रोध मान माया लोभ से बंधा हुआ है, उसको ही प्रकृति वश हो गया, उसको अबला बोला जाता है, अबला जी। और पुरुष को इसको बोला जाएगा प्रकृति से जुदा हुआ, और प्रकृति से जुदा कभी हो जाएगा कि मैं राम कुमार हूँ, रॉन्ग बिलीफ छूट जाए और शुद्धात्मा वो मेरा स्वरूप ऐसी जागृति मिले, तब क्रांति गई और अबला पद भी गया और पुरुष पद आया, यानी अज्ञानता वो प्रकृति स्वरूप है और ज्ञान हुआ तब पुरुष पद में आता है। इसका मतलब जो हमने दो विभाजन किए हैं स्त्री और पुरुष, ये एक अलग चीज है, आध्यात्मिक व्यवहारिक स्त्री पुरुष है जी,
स्त्री लिंग और पुरुष लिंग, और ये पुरुष पुरुषार्थ वाला जो पुरुष बोला जाता है, और भ्रांति का पुरुषार्थ वो अबड़ा बोला यानी प्रकृतिमय है, वो भ्रांति का पुरुषार्थ में है, और जागृति में आया तो पुरुष का पुरुषार्थ बोला जाता है। ये पुरुष होना दोनों के लिए ही समान रूप से है, मतलब पुरुष को उन्होंने आत्मा की ओर, अभी स्त्री जो है पैकिंग स्त्री का रहेगा मगर खुद पुरुष हो गई, तो खुद पुरुष होके पुरुषार्थ कर सकते है, मैं शुद्धात्मा हूँ, प्रकृति अलग है, प्रकृति में मोह है, मान है, लोभ है, विकार है, तो संभाव से निकाल करते जाएंगे तो एक एक अवतार में स्त्री का देह छूट के पुरुष का देह हो जाएगा, मगर भीतर में पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ यानी क्या, क्रोध मान माया लोभ को कम करते जाना, वही सबसे ऊंचा पुरुषार्थ। क्रोध मान से पुरुष देह मिलता है, मोह लोभ से स्त्री देह मिलता है कपट से। ये क्या होता है कि ज्ञान मिलने से क्रोध मान माया लोभ का जो बिगिनिंग है वो टूट जाता है। अभी क्रोध मान माया लोभ डिस्चार्ज है, तो अभी जैसे जैसे प्रतिक्रमण करते जाएंगे तो क्रोध मान और माया लोभ दोनों खत्म होते जाएगा, अपने हम स्त्री का देह छूट के पुरुष का देह में आ जाएंगे, और बाद में पुरुष और स्त्री दोनों देह छूट के मोक्ष में भी जा सकता है, और उसी को ही सच्चा पुरुषार्थ बोला जाता है। पांच आज्ञा में रहो, मैं पुरुष यानी क्या आत्मा हो पुरुष बोला जाता है, और ज्ञाता दृष्टा ओ सच्चा पुरुषार्थ, और ज्ञाता दृष्टा टॉपमोस्ट पुरुषार्थ, कि राम कुमार क्या कर रहे हैं उसको जानो देखो, सबसे ऊंचा पुरुषार्थ, और वो हम पूरी फाइल वाले हैं सब, तुम पांच आज्ञा में रहे तो भी ये पुरुषार्थ बोला जाता है। बाद में प्रतिक्रमण वो थोड़ा लोअर स्टेज का पुरुषार्थ, पुरुष हुआ तो सच्चा पुरुषार्थ होता है, नहीं तो भ्रांति का पुरुषार्थ, अज्ञानता में राग द्वेष तो होते हैं, राग द्वेष वही भ्रांति का पुरुषार्थ, और संभाव हो जागृति का पुरुषार्थ। सच्चे सच्चे अर्थ में पुरुष होकर पुरुषार्थ कैसे किया जाए, पांच आज्ञा में रहे, पांच आज्ञाओं और प्रतिक्रमण कराओ बाकी का गलतियों, पुरुष धर्म समझना चाहिए और प्रकृति का भी धर्म समझ, धर्मों का धर्म समझना चाहिए, दोनों बातें आती हैं, धर्म भी समझें और प्रकृति का धर्म, और दोनों में होने की वजह से कभी कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। नहीं, सिंपल है, पुरुष का धर्म ज्ञाता दृष्टा के सिवाय दूसरा कोई पुरुष का धर्म है ही नहीं, और प्रकृति का धर्म पुराण गलन होता है, और क्रोध मान माया सब प्रकृति धर्म में चले गया, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, डिस्चार्ज परिणाम है, वो त्रिगुण जिन्हें बोलते हैं वो सब प्रकृति धर्म है, इनसे इनको खत्म करा जाए। ज्ञाता दृष्टा में रहो तो अपने आप प्रकृति डिस्चार्ज होते होते खत्म हो जाएगी, ये वात पित्त ये रज तमस तत्व ये क्रोध मान माया लोभ राग सब अभी प्रकृति गुण से गुण में चले गए, अभी डिस्चार्ज परिणाम, और पूर्ण गलन स्त्री प्रकृति पुरुष प्रकृति सब पुरुष स्त्री प्रकृति गुण है, दोनों साथ साथ कैसे हो, ये दोनों पांच आज्ञा में रहो तो आपको पांच आज्ञा में रहना है, राम कुमार प्रकृति गुण में रहेगा, क्रोधी मानी मोही सब धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, तो ये दोनों अपना अपना बांट लिया अभी। जय सच। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमारे ज्ञानियों ने हमें प्रकृति की समझ दी और सिखाया कि कैसे हम अहंकार और बुद्धि से बाहर निकलकर प्रकृति को सहज होते हुए देखें। ऐसे ही और प्राइसलेस चाबियां पाने के लिए हर रोज सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ फ्लॉलेस विजन। जय सच्चिदानंद। Yeah.